Hello students, welcome back to our YouTube channel Concept in Science. In this video we will discuss about the next double membrane organelle, that is plastids. These plastids are pigment containing organelles or double membrane organelles present in plant cell. First of all, the plastids were discovered by Skimper in 1833. But the term chloroplast was given by Angiu in 17th century. These plastids are double membrane organelle which contains or store pigments, means in ke andar pigments hote hain. And these are present in all phototrophic eukaryotes. Phototrophic eukaryotes. Now, on the basis of the color of the pigment present in these plastids, the plastids are of three types. सबसे पहला है क्रोमोप्लास्ट, इन विच कलर्ड पिगमेंट्स आर देयर जिसमें जो कलर होगा पिगमेंट्स का दैट इज येलो टू रेड कलर पिगमेंट्स मीन्स मे बी येलो कलर और मे बी ऑरेंज कलर और मे बी रेड कलर्ड पिगमेंट हियर प्रेजेंट. जो पिगमेंट्स होते हैं दे मे बी कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल्स एटसेट्रा. द सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स हैं दे आर ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स मीन्स इनमें कोई कलर नहीं होता. Colorless plastids. So they help in the storing of some compounds or some material. तो इनको हम storing organelles या storing plastids भी बोलते हैं. अगर ये leucoplast store करते हैं proteins को, protein storing है तो इनको हम क्या कहेंगे? Aleuroplast. If they store starch. उसमें क्या मिलेगा ज्यादा आपको? अमाइलोप्लास्ट. और अगर ये ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करते हैं ऑयल को, ऑयल स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट आर कॉल्ड एज इलायोप्लास्ट. इसका मतलब क्या हुआ? वो ग्रेन्स और सीड्स जिनके अंदर स्टार्च ज्यादा होता है दैट मीन्स दे कंटेन्स अमाइलोप्लास्ट इन मोर अमाउंट. और जिनके अंदर हमें या प्लांट का वो पार्ट जिसमें ऑयल एक्सट्रैक्ट जिससे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं दे कंटेन्स मोर इलायोप्लास्ट. और वो पार्ट जिससे हम प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर जिसमें ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है दे हैव मोर एलुरोप्लास्ट. ठीक है. एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट आर थर्ड है, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड थर्ड है क्लोरोप्लास्ट. जो क्लोरोप्लास्ट हैं, दे आर ग्रीन प्लास्टिड्स दैट मीन्स दे कंटेन्स ग्रीन कलर्ड पिगमेंट. और यहाँ पे जो ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है उसको हम क्या कहेंगे? क्लोरोफिल विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. एज आई हैव टोल्ड यू दैट the term chloroplast was given by Angiu. This chloroplast is a double membrane organelle. You can see here it has two membranes, outer membrane and inner membrane. लेकिन इसकी जो inner membrane है इसमें कोई folding
नहीं है। इफ वी कंपेयर दिस विद द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन में क्या थी, इनफोल्डिंग थी, और यहाँ इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें कोई इनफोल्डिंग नहीं है। तो यहाँ जो स्पेस है, स्पेस एनक्लोज बाय द इनर मेम्ब्रेन, इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, स्ट्रोमा। ध्यान रहे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में हमने इनर स्पेस को क्या कहा था, मैट्रिक्स, ठीक है। अब इनसाइड द स्ट्रोमा, इनसाइड द स्ट्रोमा हियर डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम इस सिंगल को देखें, दिस वन डिस्क शेप मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड एज थायरॉइड। एंड दिस डिफरेंट थायलाकॉइड्स अरेंज जस्ट लाइक हीप ऑफ क्वाइंस वन अपॉन द अनदर, मींस ये सारे थायलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे अरेंज हो जाते हैं जैसे सिक्कों का ढेर होता है। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, ग्रेनम। ग्रेनम हियर इज सिंगुलर वर्ड, और ऑल दीज ग्रेनम, सभी ग्रेनम्स को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, ग्रेनम। So we can say that grana means singular, grana is plural word, and these grana are also connected with each other like this, and these are known as stroma lamina, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि यहां inside the chloroplast photosynthesis occurs, it means these chloroplasts are present in the cells of plant which help in or which are actively engaged in photosynthesis. That means chloroplast will be more in the leaf or mesophyll cells of the leaf. So यहाँ पे अगर हम देखें कि इसके अंदर green pigment है, chlorophyll है, तो अब आता है कि वो chlorophyll होता कहाँ पे यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो chloroplast है that chlorophyll है, that chlorophyll is present in the membranes of thylakoids. Here in the membranes of thylakoids the chlorophyll pigment is present. So the light reaction of the photosynthesis, क्योंकि लाइट रिएक्शन में क्लोरोफिल पिगमेंट की जरूरत होती है, तो ये लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस विल अकर इन द मेम्ब्रेनल रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, व्हाइल द एंजाइम्स फॉर डार्क रिएक्शन मींस एंजाइम्स ऑफ केल्विन साइकिल लाइक रूबिस्को, दीज एंजाइम्स ऑफ डार्क रिएक्शन आर प्रेजेंट और केल्विन साइकिल आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। So here in the stroma, dark reaction of photosynthesis occurs. And in case of ATP production also, during the daytime, these chloroplasts also the main source of ATP production in plants. So this is the, as we know that here process of photosynthesis occurs, that means food is prepared here for plant. So यहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं और राइटली वी कॉल इट, क्या कहेंगे, किचन ऑफ सेल। सो वी कैन सी दैट दिस क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर्स हियर इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, सो दिस आर कॉल्ड एज किचन ऑफ द सेल। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। थैंक यू।